बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह से व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए नए डालते हैं बड़ी खबर पर। पथरिया की दबंग विधायक रामबाई सिंह के पास किसानों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि ग्राम बरवटी स्थित पनामा कंपनी द्वारा संचालित सैलो सेंटर में तुलाई में गड़बड़ी की जा रही है, जिसको लेकर स्वयं विधायक ने पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत साइलो केंद्र का निरीक्षण किया, पर जिसकी शिकायत कलेक्टर महोदय से फोन पर की, जिससे तुरंत ही कलेक्टर ने अनुभवी अधिकारी राजेश दमोह को तत्काल मौके पर पहुंचाया व साइलो केंद्र में हो रही गड़बड़ियों के संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई व उन पर आरोप लगाए कि तुम लोग 2-5 लाख रुपये मंत्रियों व नेताओं को देकर साइलो केंद्र लेकर किसानों को लूटते हो। वहीं उन्होंने कहा कि कलेक्टर इस मामले में सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर मैं ऊपर तक शिकायत करूंगी, मैं स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर इसकी शिकायत करूंगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है पथरिया विधायक रामबाई सिंह का। जिन जो किसान पीड़ित है वो एक आवेदन पत्र दे दें, उसकी जांच करवा लेते हैं पुलिस से और नापतोल वाले विधिवत जांच कर लेंगे। आरोप पत्र बनाना पड़ेगा। जे मशीने की गड़बड़ी है तो आप जांच करवा रहे हैं कि हम जांच करवा है तो फिर एफ आई आर, और जब बता रहा है तो दो एक दिन सुखा देना, एक दिन रुक जाए तो दो दिन करा, चार दिन से तो भी नहीं खड़े तो करवा लेगा, 4 दिन में सूख गई होगी, इतनी धूप आप उसको देखो, किसान के साथ इतनी बारीकी भी मत करो, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो उसको नहीं, तुम एक साइड तो ना पूरा लूटने लगे 85-85 और पैसा लेके तो इन लोगों की पनामा कंपनी और जो जिनकी भी हो एफ आई आर दर्ज करवाइए, वरना जो पूरे किसान हम धरना पे बिठा दे, लॉकडाउन हो जाए, 101 की धारा हमारे ऊपर लगा देती, सब पे लगा देती, अरे हम तो 300-200 भी लगा देते। नाप कर नाप तोल वाले हो, मिस्टेक क्यों है? वो थोड़ी सी डस्ट भरी थी यहाँ पे, डस्ट जो है डस्ट कितनी भर गई रहता है उसके बाद चढ़ा बदन तो कोई डस्ट नहीं, डस्ट कितनी भर गई, फिर भी कम है, नहीं 10-15 किलो को बंद कर फिर भी पड़ रहा, फिर भी अब कम है, डस्ट भी भरी तब भी कम देख पाया। 5 दिन हो गए। एक बात बताओ, आप कहाँ के हो? दमोह के हो तो इनके मीतिया हो, कहीं दमोह के किसानों की मीतिया, किसानों के होते अगर है तो तुम जावे लो, पहली बात ओपन नहीं करते कि गड़बड़ी कर रहे। मैडम ये क्या है, वो डस्ट जो गाड़ियों से उसमें आ रही है उसके कारण है, उसमें डस्ट कितने की हुई है, कितने किलो हो जाए डस्ट बताओ, मैं अगर प्रॉपर मूव नहीं किया तो वो डस्ट का ये था इसकी एफआईआर दर्ज कर रहा हूं, तो 460 वजन धरो, ट्रैक्टर धरो तो 3090 का है बताओ, फिर तो नाप तोल वाले सही हो के फर्जिया हो, 5 किलो वाली बात नहीं है, सही हो के फर्जिया हो, किसानों के साथ गलत कर रहे हो, जो कर रहे हो संग कर रहे हो, तुम दमो के पूरे जिले भर के किसानों को बेवकूफ बना रहे हो, शर्म नहीं आती है कि बेचारे 8-8-15 दिन से पड़े हैं भूखे प्यासे और बाकी को तुम चूना लगा रहे हो उनके लाने, 4 दिन से पड़े हैं हम लोग नहाओ तक नहीं है, हम रहे 4 दिन से पड़े हैं नहाओ नहीं है, ये जिनके जो किसान जो खड़े जी झूठी बताए हैं, झूठी बताए हैं तो दीदी खुद है जे पैसा, तुमने 85 किलो को हमला करो भाई, आज नेता मंत्री सबके घर है तो 2-2, 5-5 लाख रुपया तुम दिया उसको साइलो के चक्कर में, तो नहीं किसानों के लाने मूर्ख बनाते दिया जय ने बुलाओ तो पनामा कंपनी ते आओ तो पहुंचे, हाँ जे ले उन्हें बुलाओ तो जे ले, इन्हें बुलाओ तो जे ले, कारण तो आप ये बताओ कि आज ये कम से कम 20,000 हेक्टेयर कितना मेट्रिक टन तुलाई हो चुकी है, लगभग 2 वेयरहाउस भर जाएंगे, तो इतना पैसा इनने कम से कम जनता किसानों के साथ कितना बड़ा छल किया। कलेक्टर साहब को मैंने इसकी शिकायत की, कोई रेफरेंस नहीं मिला उनकी तरफ से, कोई भी संतुष्टिजनक उनने भी बात नहीं कही, उनने बोला मैं ऊपर बात करता हूँ। आप ये बताइए कि भाई किसान गरीब किसान हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार में ट्रैक्टर लेके आए हैं किराए करके और 4-4 दिन से पड़े हैं, ऐसी स्थिति है किसानों की, और जो इधर जो मैनेजर हैं
वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से चर्चा की है, अब इस विषय पे मैं ऊपर भी जाकर चर्चा करूंगी। स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से, हमारे प्रदेश के मुखिया से बात करूंगी कि आप किसानों के हितेशी हैं, आप खुद बोलते हैं तो किसानों के साथ न्याय करिए। ये स्थिति है और मैं सभी किसान भाइयों से बोल चुकी हूँ कि अब अगर ऐसी गड़बड़ी आप लोगों को नजर आई तो तुलाई बंद करके सब धरना पर बैठ जाए, क्योंकि एक हक की लड़ाई है। किसान खून पसीने की कमाई है किसान की, और ये लोग बेईमानी करके बहुत बड़ी मात्रा में खा रहे हैं, और उसमें पूरे अधिकारी टोटल मिले हुए हैं, एक भी अधिकारी नहीं है जो इसे इस भ्रष्टाचार में शामिल ना हो। तो इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो ऐसे आप लोगों को बेवकूफ हर कोई बनाता रहेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने हक